हेलो दोस्तों, मैंने आज सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। पता नहीं एक्सपेरिमेंट है या नहीं, पर मेरे लिए एक नई चीज है। पराठे होते हैं, गोभी के पराठे होते हैं, पनीर के होते हैं, प्याज के होते हैं, पता नहीं किस किस चीजों के होते हैं। तो वैसे ही मैंने सोचा कि न्यूट्री के पराठे बनाता हूँ, ठीक है। और पता नहीं आप लोगों ने खाए होंगे या नहीं खाए होंगे, पर मैंने कभी खाए नहीं, ना मैंने कभी सुना था। हाँ, नहीं सुना था, तो मैं सोचा खुद ही बना के देख लेता हूँ। दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे पानी भरे बाउल में न्यूट्री भिगाने से। दोस्तों, जब तक न्यूट्री थोड़ी भीगती है, तब तक हम जरा प्याज और मिर्च को काट लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम प्याज को दो टुकड़ों में बांट के काट देंगे। दोस्तों, हमने प्याज को दो टुकड़ों में बांट दिया, अब हम इसे काटेंगे। ये बांटने और काटने से याद आया कि हमारे देश में आजकल यही माहौल चल रहा है, तो इससे बचना दोस्तों। इस बांटने और काटने ने हमारे देश की लंका पहले भी लगाई थी और ये अब फिर लगा रहे हैं। प्याज को बारीक चॉप करें। मुझे प्याज काटते हुए थोड़ी मिर्च लगती है, आपको भी लगती होगी, तो अपना मुंह जरा पीछे रखना, कभी आपके आंसू से नमकीन हो जाए। ये हाइजीनिक नहीं होता बिल्कुल भी ये हरकत। दोस्तों, प्याज कट चुकी है मैंने इससे पहले। अब कुछ मिर्च, ध्यान रहे उंगली मत काट देना। जितने देर में हमने प्याज काटा उतने देर में इसे भिगाया था और ये काफी भीग चुकी है। दोस्तों, मैंने खा के भी चेक कर ली न्यूट्री को। दोस्तों, इसमें भर के ढक्कन लगाओ और देखो दोस्तों कैसा इसका बुरादा हो गया। ये बुरादा हमें चाहिए और उसके अंदर ऐसे हाथ घुसेड़ने से पहले अपने हाथ धुल देना। तो दोस्तों, मैंने फैसला किया कि इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तेल डालने के बाद थोड़ा गर्म होने दीजिए। जब तक तेल गर्म हो रहा है दोस्तों, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया ना ये सामने हमारे प्याज को देख के। इसको मानिए हम प्याज हैं, तो पहले तो हमारी खाल उतारी गई, ठीक है। आप देखना हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी पहले खाल उतारी गई, फिर हमें दो टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। फिर हमें काट देंगे, फिर कोई अपने पराठे में डाल के मजे ले लेगा। तो दोस्तों, ऐसा ना करें यार, ऐसा थोड़ा समझदारी के साथ रहे। कुछ चीज अगर यूनिटी के लिए हो रही है तो मैंने देखा वो है, ऐसा नहीं है कि उस एड में हम कमी देख रहे हैं या उस एड को किसी प्रोपेगेंडा के तरह तौर पे आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत बारीकी से चीज़ को देखता हूँ, मुझे जहां तक लगता है वो एक यूनिटी का मैसेज दे रहा था। एक अच्छा ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा एड वो बनाया गया था, पर जैसे कि मैंने आपको बताया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज से ही दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से तब से चलती आ रही है। और पहले वो अंग्रेज इसका फायदा उठाते थे और अब ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं।
आगे बढ़ना तो यूनिटी के साथ बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये कहाँ जाओगे अकेले, कितनों से लड़ोगे, कितनों को हरा दोगे? नहीं हरा सकते ना, नहीं हरा सकते। एक ग्रुप अपनी सफाई दे रहा है, एक ग्रुप अपना अपने को बचाने में लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ये किससे अपने आपको बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? ऐसे नहीं तरक्की हो सकती, आपको देखना पड़ेगा, अपनी पिछली गलतियों को देखना पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े दंगे हुए, इतने बड़ी बड़ी चीजें हो गई, आपको अब तक समझ नहीं आ रहा कि अलग अलग होके काम नहीं होगा। मकसद क्या है, मतलब ये इसका होने का मकसद क्या है? वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया को शांति की तरफ ले जाने के लिए हमें यूनाइट करना पड़ेगा दोस्तों। और जितने जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। बहुत चाइल्डिश है ये अपने अपनी चीजों को लेकर लड़ने का बिहेवियर, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं। फिर छोटे बच्चे और हमें क्या फर्क रह गया, क्या फर्क रह जाएगा? खैर, शायद उम्मीद है कि समझ आएंगी कुछ लोगों को बात, या उनके दिमाग में गंदगी भर दी गई है। अपना दिमाग लगाए हैं अपने अपने, मेरे हिसाब से इतना बहुत अभ्यास है, इसको इतना ही करने, इसको ज्यादा मत जलाइए। तो अपना दिमाग लगाए हैं और उसके बाद कुछ फैसला लिए, किसी की कहा सुनी पे, या कोई किसी का न्यूज चैनल या किसी नेता, नेताओं का काम है दोस्तों ये, नेता जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो इस बात को कहेंगे कि यूनाइटेड रहिए, विश्व शांति की कामना करेंगे, बहुत कम ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनको इस चीज से फायदा नहीं है। उनको फायदा तब है जब आप और हम लड़ेंगे, आप समझ रहे? तो दोस्तों थोड़ा सूख गया, इसमें थोड़ा तेल डाल दो। तो उनको फायदा तब है जब आप और हम लड़ेंगे, और हम मौका दे रहे हैं उन्हें अपने आप को लूटने का। तो मैं बस यही कहूंगा कि अपने आप को मत लुटवाइए, समझदारी से काम करिए, ठीक है? चलिए आगे इसमें अब नमक मिर्च मिलाते हैं। किस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, शायद पराठे के बाद सही लगेगा ये, कुछ इस तरीके से लग रहा है दोस्तों। ये एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं खुद ही इसे पहली बार बना रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ अपने साथ, अपने जीवन में, अपने हर चीज में। तो देखते हैं क्या होता है। बार बार कट करनी पड़ती है वीडियो ना, जिससे तो दोस्तों ये मैंने प्लेट में निकाल दिया उससे, पर थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। ये तो देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है दोस्तों, कितने पराठे बन जाएंगे? तो पराठे के रूप में आकर ये इस तरीके से दिखता है। अब मैं दोस्तों आपको सिखा कर भी बताता हूँ टेस्ट कैसा है, सूखा है या अच्छा है। हाँ दोस्तों, मैंने खाया, आपने सुन लिया होगा, आज बढ़िया हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हल्का हल्का टेस्ट मोमो जैसा भी आ रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा है ये, हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है, न्यूट्री की वजह से, प्रोटीन। और आप बनाइए इसे, ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। और उस बारे में जो हमने बात करी है, उस बात को भी समझना और अपने लेवल से हेट रेट को कम करना शुरू कर देना। बाय।